The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So aaj ka hamara topic hai omega 3 fatty acids. ओमेगा 3 या फिश ऑयल्स आपने बहुत सुना होगा भाई, बहुत अच्छे होते हैं ये और वो. सो इसके बारे में व्हाट डू यू नो, व्हाट शुड यू नो, और ये क्या है, क्यों खाना है, नहीं खाओगे तो क्या होगा, खाओगे तो क्या होगा, कौन सा चमत्कार होगा, क्या नहीं होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा आज हम जानेंगे इस वीडियो में. तो उसका हम अगर बात करें फिश ऑयल्स की, फिश ऑयल्स को इसीलिए खाने के लिए बोला जाता है क्योंकि ये एक डाइटरी सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का. ये वो चीज़ें हैं, ये वो एक तरीके के फैट हैं, गुड फैट हैं, जो आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए चाहिए और मसल्स को चाहिए और ग्रोथ करने के लिए सेल, ईच एंड एवरी सेल्स के ग्रोथ के लिए, मसल्स की एक्टिविटी के लिए ओमेगा 3 चाहिए. ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है आपको फूड से मिलता है और ये बॉडी के अंदर बन नहीं सकता. ये बात याद रखिए, यू कैन नॉट मेक ओमेगा 3 फैटी एसिड इन द बॉडी. सो फूड प्रोडक्ट से आपको ओमेगा 3 मिलेगा और फिश ऑयल के अंदर दो प्रकार के ओमेगा 3 होता है. एक होता है DHA. DHA इज डोकोसा हेक्सानोइक एसिड एंड EPA. EPA इज इकोसा पेंटानोइक एसिड. ये दोनों के दोनों ओमेगा 3 के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्चुअली इफेक्टिव हैं. एक और होता है ALA. ALA उतना नहीं है, बटन है. सी, जो DHA और EPA है वो ज़्यादा मिलता है फैटी फिशेस से, जो फिश के अंदर फैट ज़्यादा होता है, जैसे कि सालमन, मकरेल, शेल फिश, ट्राउट, ऑयस्टर्स, क्रैब, ऐसी लोग ऐसी चीज़ों से मिलता है. कुछ नट्स में, सीड्स में, वेजिटेबल ऑयल्स में भी ओमेगा 3 होता है, किंतु परंतु उसके अंदर जो ओमेगा 3 है वो DHA EPA नहीं है, उसमें होता है ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड. अल्फा लिनो एसिड का एक बहुत छोटी मात्रा DHA EPA में कन्वर्ट होती है. सो टेक्निकली स्पीकिंग DHA और EPA is much more effect, much more beneficial than proper, अगर हम nuts और seeds की बात करें, but then nuts और seeds भी हैं, that is a good thing. Then fish oil supplements इसीलिए लोग लेने को बोलते हैं, लेते हैं और अच्छे होते हैं. ये supplements liquid में भी आते हैं, capsule में भी आते हैं और pills, tablet में भी आते हैं. और जो लोग fish oils के omega 3 supplements लेते हैं उनको क्या फायदा होता है, उनको नंबर वन हार्ट अटैक के रिस्क कम होते हैं. जी हाँ, हार्ट अटैक का रिस्क, स्ट्रोक, दिमाग में स्ट्रोक का रिस्क और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर लेवल्स इंप्रूव होते हैं, यहां तक के रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जितने भी इंफ्लामेशन वाली कंडीशंस हैं उनमें इंप्रूवमेंट देखा गया है. क्यों देखा गया है? क्योंकि फिश ऑयल्स या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन है, एंटी इंफ्लामेटरी, राइट. ओमेगा 6 जो होते हैं वो प्रो इंफ्लामेटरी होते हैं, यानी वो इन्फ्लामेशन करते हैं. इन्फ्लामेशन भी जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम इन्फ्लामेशन पे एक्ट करती है. बॉडी के अंदर जब बाहर के ऑर्गेनिजम्स या फॉरेन इन्वेडर्स, बैक्टीरिया, वायरस आते हैं तो उनको मारा जाता है इन्फ्लामेशन से. लेकिन इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाए, मारधार ज़्यादा हो जाए तो आसपास बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जानो माल का. बिल्कुल वैसा ही शरीर के अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेज, इन्फ्लामेशन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शरीर में. उसको कम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों अमाइनो है, दोनों फैटी एसिड्स का एक रेशियो बैलेंस चाहिए. 1:4, 1:5 के रेशियो में, 1 ओमेगा 3 तो 1:4 ओमेगा 6 के रेशियो में. सो ये ज़रूरी बैलेंस मेंटेन करना होता है. और बहरहाल जो हम खाते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, जितने भी प्रकार के ऑयल्स हैं उनमें ज़्यादातर ओमेगा 6 ज़्यादा है. सो इसलिए ओमेगा 6 आपकी और हमारी डाइट में भरपूर है. हमें जो चाहिए वो है ओमेगा 3. सो ओमेगा 3 में भी हमें चाहिए. EPA और DHA और ALA भी चल जाएगा
अगर EPA DHA नहीं खा सकते, फिश नहीं ले सकते, फिश ऑयल नहीं ले सकते, तो एटलीस्ट ALA चाहिए। अब एविडेंस, रिसर्च क्या बोलता है इसके लिए। रिसर्च अगर हम करें ओमेगा 3 या फिश ऑयल्स के ऊपर, तो हार्ट डिजीज के ऊपर करी गई रिसर्च बताती है कि जो लोग टूना, सालमन या ओमेगा 3 रिच फिश खाते हैं हफ्ते में दो बार, तो उनके हार्ट अटैक के रिस्क कम हो, हफ्ते में दो बार खाने भर से हार्ट अटैक के रिस्क कम हो जाते हैं, या फिर फिश ऑयल के सप्लीमेंट 6 महीने तक लेने भर से भी हार्ट रिलेटेड इवेंट्स यानी हार्ट अटैक, या फिर जिनको एक्चुअल हार्ट अटैक आ रहा है उनकी डेथ होने के रिस्क कम हो जाते हैं, यानी आएगा भी तो कम हैवी, कम डेंजरस वाला आता है। सो यस, ओमेगा 3 आर वेरी वेरी बेनिफिशियल, राइट। और इवन जो पेशेंट जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उनमें भी ओमेगा 3 आर वेरी इफेक्टिव। ब्लड प्रेशर की रिसर्च में देखा गया, जिनको ब्लड प्रेशर है जो ओमेगा 3 फिश ऑयल्स या फिश खा रहे हैं उनमें भी देर इज अ ग्रेटर कंट्रोल इन ब्लड प्रेशर, राइट। सो उनमें देखा गया है कि कंट्रोल ज्यादा बेहतर है, हाइपरटेंशन बेटर कंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखे गए कि कम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट स्टिफनेस कम हुई, रिलेटिवली जॉइंट के जो प्रेशर्स हैं, पेन है, वो कम देखा गया। तो ओमेगा 3 इज डेफिनेटली बेनिफिशियल एज एन एंटी इन्फ्लाम, ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन कम होगा तो फायदा होगा। फिर बात आती है क्या ये सेफ है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर असेंशियली गुड फॉर हेल्थ, असेंशियली सेफ, राइट। और आपको ये डाइट से, फिश से या फिश ऑयल से ले सकते हैं। फिश को आप ब्रॉयल करो, बेक करो, फ्राई मत करो, ऑब्वियसली फ्राई करके भी खा रहे हो तो फिर जय हो, वगैरह अलग से तल करके ट्रांस फैट अंदर डालो, तो फ्राइड फिश छोड़ के वैसे खाओ। उसके बाद फिश ऑयल सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, वो ले सकते हैं। और उसमें हमें जो देखना होता है, जो एक सेफ्टी की बात है, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्योंकि जो छोटी छोटी आज के डेट में समुंदर में इतना सारा पॉइजनस सब्सटेंसेस फेंक दिया जाता है कि जो छोटी छोटी मछलियां, इवन बड़ी मछलियों के ऊपर भी आ जाती है परत, जो स्किन के ऊपर आती है मर्क्यूरी की लेयर। तो आप ऑब्वियसली आप स्किन निकाल के खाइए, या दैट इज वन इंपॉर्टेंट, स्किन मत खाओ। नंबर दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मछलियां दूसरी मछली को खाती हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती हैं, तो उनके अंदर मर्क्यूरी पॉइजनिंग टाइप चीज हो सकती है, तो उन मछलियों को कम खाना है जो दूसरी मछली को खाती है। सिंपल, ये आप दो चीजों को अपने ध्यान में रखें तो फिश खाना या फिश ऑयल्स लेना सेफ है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके लिए याद रखिए, अगर आपका कोई ऐसा ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी कम है, तो उस केस में फिर आपको फिश ऑयल ज़्यादा बेहतर नहीं है। आपको ऑब्वियसली फिश ऑयल, क्योंकि इम्यूनिटी कम नहीं करता है, वो बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी है, आपको इन्फ्लामेशन चाहिए आपके बॉडी के अंदर, सो दैट इज वेरी गुड। सो सेफ्टी की बात करें तो फिश ऑयल्स आर जनरली सेफ, और फिश ऑयल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और लेकिन कुछ केसेस में फिश ऑयल के साथ क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एक तो आप फिश के जैसा आफ्टर टेस्ट आ सकता है, बैड ब्रेथ आ सकती है, किसी किसी को वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इनडाइजेशन, नौजिया हो सकता है, लूज स्टूल भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़, बहुत ही ज़्यादा हाई डोज में नहीं लेना है, छोटी सी मात्रा है, हफ्ते में दो बार फिश खा ली, यानी 200 ग्राम 250 ग्राम टोटल, या फिर एक गोली डेली बेसिस पे फिश ऑयल के ले ली, उतना बहुत है, राइट। और बहुत ही ज़्यादा हैवी डोज करने पर ही आपको कोई मेजर इशू आ सकता है, जैसे कि आपके अंदर मान लीजिए ब्लीडिंग हो सकती है इंटेस्टाइनल, वो सब होता है, उतना तो नॉर्मली कोई करता नहीं है। इंटरेक्शन क्या होता है, देखिए एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स या एंटीप्लेटलेट या ऐसी कोई दवा जो आपके हार्ट के लिए काम करती है, तो ऐसी जो दवाएं हैं जो डॉक्टर्स आपको देते हैं, और मान लीजिए आप फिश ऑयल ले रहे हो, तो वो इनका इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ा देती हैं, जी हाँ। तो एंटीप्लेटलेट, एंटीकोएगुलेंट्स का, हर्ब्स का, सप्लीमेंट्स का इफेक्ट बढ़ा देगी फिश ऑयल, ये ध्यान में रखेंगे तो ब्लीडिंग का तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ जब वो लेते हैं तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपका इफेक्ट दवाई का ब्लड प्रेशर पे पड़े तो ब्लड प्रेशर कम होगा, उसका ध्यान में रखिए कि हाइपोटेंशन ना हो जाए। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव दवा ले रहे हो प्रेगनेंसी को बचाने की, तो फिश ऑयल्स माइट इंटरफियर विद दैट थोड़ा सा। और वेट लॉस दवाएं, कोई अगर ऑर्ली स्टैट जैसी कोई दवा ले रहा है, तो
आपके वेट लॉस वाली दवा जो है वो फिश ऑयल का एब्जॉर्प्शन ही रोक देगी, कम कर देगी, तो उसको साथ में ना ले। इवन विटामिन ई के लेवल्स कम कर सकता है, फिश ऑयल कैन रिड्यूस विटामिन ई लेवल्स आल्सो। सो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, इसलिए फिश ऑयल्स को आपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ वो ही लेते जा रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक अबाउट फिश ऑयल्स। ये बेसिकली पॉली अनसैचुरेटेड फैट में माना जाता है और ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर से बता रहा हूँ, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम करेंगे, रिदम प्रॉब्लम्स कम करेंगे, हार्ट अटैक, हार्ट के अंदर प्लाक बिल्डअप कम करेंगे, ब्लड प्रेशर कम करेंगे। कितना खाना है, वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको रिकमेंडेशन जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करती है, वो रिकमेंड करती है 2 servings पर वीक ऑफ फिश रिच इन ओमेगा 3। वो बोलती है फिश खा लो, आप 100 ग्राम मच्छी खा लो, वो बेसिकली 2 दिन में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, यानी 200 ग्राम यानी 250 ग्राम मच्छी खा लो पूरे हफ्ते में, बहुत है राइट। या तो आप सालमन खा लो, मकरेल खा लो, ट्राउट खा लो, सारडिन खा लो, टूना खा लो, ऐसी कोई मच्छी खा लो। सो या फिर आप फिश ऑयल ले सकते हो, सप्लीमेंट ले सकते हो, एक रोज, कोई कोई 2 रोज भी ले सकते हैं, नो बिग डील राइट। जैसा हमने कहा, वॉलनट्स, चिया सीड्स, कैनोला ऑयल, सोया ऑयल, सोयाबीन, टोफू, फ्लैक्स सीड्स, इन सब में भी फिश ऑयल ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 होता है, ALA होता है, और ALA इनमें, लेकिन आपको ये इनकी मात्रा ज्यादा खानी पड़ेगी राइट। सो ALA के लिए, सो यू कैन ईट दैट ऑल्सो। सो सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो गुड, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कई सारे सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में। सो इफ यू वॉन्ट मी टू सजेस्ट सप्लीमेंट फॉर ओमेगा 3 का, अगर आप चाहते हैं कि कोई सप्लीमेंट हम आपको बताएं, तो हम आपको एडवाइस करेंगे एनवेदा का ओमेगा 3 सप्लीमेंट। एनवेदा के ओमेगा 3 के सप्लीमेंट के अंदर EPA और DHA दोनों ही मौजूद है, साथ में ओमेगा 3 भी है। सो इट्स अ गुड सप्लीमेंट जो कि आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, आपके जॉइंट्स के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लिए, या बॉडी के ओवरऑल एजिंग, इन्फ्लामेशन के लिए भी ये अच्छा है। सो दिस इज़ द वन आई विल सजेस्ट, और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके वहाँ से ट्राई करिए और फिर हमें बताइए आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नहीं। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ही ये दूसरों को रेकमेंड होगा, ताकि उनको पता चले इसके बेनिफिट्स और वो भी फ़ायदा उठाए। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।